नमस्कार दोस्तों, आज गूगल डूडल ऑस्कर साला का 112वां जन्मदिन मना रहा है। और चले जानिए ऑस्कर साला कौन था। ऑस्कर साला 20वीं सदी के जर्मन भौतिक विज्ञानी, संगीतकार और इलेक्ट्रॉनिक संगीत के अग्रणी थे। उन्होंने सिंथेसाइजर के पूर्ववर्ती ट्रोटोनियम नामक एक वाद्य का बजाया था। साला का जन्म 18 जुलाई 1910 को जर्मनी ग्रीस में हुआ था। उनकी माँ एक गायिका थी और उनके पिता संगीत प्रतिभा के साथ एक नेत्र रूप विशेषज्ञ थे। 14 साल की उम्र में साला ने वायलिन और पियानो जैसे वाद्य यंत्रों की रचनाएं और गीत बनाना शुरू किया था। जब साला ने पहली बार ट्रोटोनियम नामक एक उपकरण सुना तो उपकरण की पेशकश की तकनीक से मोहित हो गए। उनका जीवन मिशन ट्रोटोनियम में महारत हासिल करना और इसे और विकसित करना बन गया, जिसने स्कूल में भौतिकी और रचना में उनकी अध्ययन में प्रेरित किया। इस नए फोकस ने साला को अपना खुद का उपकरण विकसित करने के लिए प्रेरित किया, जिसे मिश्रण ट्रोटोनियम कहा गया। एक संगीतकार और एक इलेक्ट्रो इंजीनियर के रूप में अपनी शिक्षा के साथ उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक संगीत बनाया, जिसकी उनकी शैली दूसरों से अलग कर दिया। मिश्रण ट्रोटोनियम की वास्तुकला इतनी अनूठी थी कि यह एक साथ कई ध्वनियां या आवाजों को चलाने में सक्षम था। साला ने कई टेलीविजन और रेडियो और मूवी प्रोडक्शन जैसे रोजमेरी जो 1959 और द बर्ड्स 1962 जैसी फिल्म की। इस यंत्र ने चिड़िया के रोने, हथौड़ा मारने, दरवाजा और खिड़की के पटकने जैसी आवाजें पैदा की। साला को उनके काम के लिए कई पुरस्कार मिले। उन्होंने कई साक्षात्कार दिए, कई कलाकारों से मिले और उन्हें रेडियो प्रसारण और फिल्मों में सम्मानित किया गया। इलेक्ट्रॉनिक संगीत में उनके प्रयास से सब हार्मोनिक्स के क्षेत्र खोल दिए। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई ऑस्कर साला। ऑस्कर साला गूगल डूडल वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।